ये जो 100 नंबर का इंतजाम किया था वो इसलिए कहता है गरीबों की मदद हो। अगर कहीं खेत पर झगड़ा हो जाए, गांव में कोई झगड़ा हो जाए, तो आपको थाने ना भागना पड़े, उसके लिए 100 नंबर का इंतजाम किया था कि आप फोन मिलाएं, पुलिस आपके पास आ जाए और मदद करने का काम करें। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हो गए हैं, हमने आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इलाहाबाद में 4 लोग एक परिवार के मार दिए गए, एक परिवार के 4 लोग मार दिए गए। बताओ कौन दोषी है उसके लिए? उसके लिए दोषी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। कौन नहीं जानता गांव में पानी के लिए झगड़ा हो जाता है? कौन नहीं जानता कि रास्ते के लिए झगड़ा हो जाता है? कभी मेड़ को लेकर के झगड़ा हो जाता है? ये जो इलाहाबाद में जान गई है 4 लोगों की, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से जान गई है। वो परिवार घूमता रहा, कभी थाने में, कभी तहसील में, डीएम पर, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और उसका परिणाम यह हुआ कि 4 परिवार के सदस्यों की जान ले ली गई। यह है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की। जब हम और आप लोग यहां मैदान में खड़े हैं, बनारस जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, 3 साल की बेटी के साथ क्या हुआ है, दुख होता है जब जानकारी ऐसी हासिल होती है। 3 साल की बेटी के साथ क्या घटना हो गई बनारस में, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? और याद कीजिए कासगंज, जहां पर 2 फीट ऊंचाई पर नल लगा था, उससे एक जान ले ली होगी क्या किसी ने? याद कीजिए वो गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र, एक व्यापारी अपना व्यापार करने आया, पुलिस के लोग घुस गए जाकर के, केवल वसूली चाहते, वसूली कर रहे थे, उसको इतना पीटा जान चली गई। ये तो 2-4 घटनाएं बता रहा हूं मैं। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ बताओ, दलित बेटी के साथ क्या हुआ? लेकिन भूलना नहीं ये बात, 30 तारीख है, हमें और आपको याद करना उस बेटी को और अपने दलित भाइयों को, पिछड़े भाइयों को जगाना है कि सरकार कैसा अन्याय कर सकती है। और हमारा कौन भूल जाएगा, किसान भाई जो हमने आंदोलन को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के गए थे, पीछे से आई गाड़ी और कुचल करके चली गई, और आज भी गृह राज्य मंत्री हटाए नहीं गए हैं। सोचो अगर गृह राज्य मंत्री बड़े बड़े मंत्रियों के साथ खड़े होंगे, मुख्यमंत्रियों के साथ खड़े होंगे, तो कौन न्याय देगा? नहीं न्याय मिलेगा। और अगर न्याय चाहते हैं आप सब लोग, तो जिस तरीके से समाजवादियों ने 100 नंबर पुलिस को दिया था, हम चले जाएं सभा से, आप पूछना पुलिस के लोगों से, कभी इतना प्रमोशन पुलिस में नहीं हुआ होगा जितना समाजवादियों ने किया।